ये या ये, इसका मुंह देखो, इसका इसका ए मुंह। साला गंदा सा है, ये तो है आप पीछे है। साला बंदा, साला ये पीछे है यहाँ आते सुबह सुबह। हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं आपको ड्राइंग दिखाता हूँ जो कि ये मैं बना रहा था, आपने देखा होगा लास्ट व्लॉग में, मतलब आज चौथा दिन है इसका। सो अभी कुछ ड्राइंग इतनी हुई है, आज मैंने इतना पार्ट किया है, ओनली इतना बाकी है। तो सुबह से मैं इसको बना रहा था, अभी 5 बज चुके हैं। तो चलो व्लॉग शुरू करते हैं, और आज शायद हम जाएंगे डॉग लेने के लिए, मैंने निशांत को बुलाया, तो देखते हैं। मम्मी जी दुआ करना कि यार मिल जाए आज, उस दिन की तरह पोपट ना हो मेरा। नहीं वहां से लाओगे डॉग? कहाँ जा रहा है अभी लेने? कहाँ? इसार नहीं हो गया, वहाँ नहीं मिला तो थोड़े दिन रुक नहीं सकता बेटा? थोड़े दिन रुक गया जाता? नहीं रुका जाता ना, कुत्ता भगा कुत्ता थे ले आता, थोड़ा ये बनने दे ऊपरने दे, तेरे को सब चीज की जल्दीबाजी क्यों है? मैं गए अंश भाई, ये पंखा कम कर दिया क्या? वीडियो बनाने के लिए, वैसे ही गर्मी हो रही है यार बेटा, थोड़ी सी कंटेंट बन जाएगा मेरा। जब भी वीडियो बनाने होते ना, मम्मी को पता लगता है कि पंखा मैं या तो बंद कर देता हूँ या हल्का कर देता हूँ, फिर तो इसकी आवाज़ आती है वीडियो में। जैसे ही रूम में मैं आता हूँ, सबसे पहले तो पंखे पे नजर आती है मेरी, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा होता है, या बंद ही कर देता हूँ। गर्मी है ना, अगले साल आपका भी एसी लग जाएगा। तेरा ही लगा पहले, अपना तो लगा ले। मेरा तो लगा दूंगा, मेरा स्टूडियो बन जाए। टाइल तो लग नहीं रही, टाइल लग जाती वो गर्म है। चाहे पकड़, कोई बिस्कुट बास्कुट ले आते। बिस्किट नहीं चाहिए यार, आपको पता है चाय का मजा चला जाएगा बिस्किट से। ओ अम्मा कहाँ हो, हमारे साथ क्यों नहीं बैठे हो आज, गुस्सा हो क्या? अब से मैंने शुरू कर दिया है बिना चीनी की चाय पीने का, मतलब हल्की सी चीनी, फिर मैं बिल्कुल ही चीनी बंद कर दूंगा। ठीक हो रही, मतलब हल्की सी, मतलब नाम मात्र चीनी, फिर बिल्कुल ही बंद कर दूंगा मैं, बिकॉज चीनी सही नहीं है। गुड़ वाली चाय पिया कर। गुड़ वाली देखता है, हम गुड़ वाली पीते हैं, कभी नहीं पीते चीनी वाली। गुड़ भी नहीं ना चीनी, सिंपल, उससे कुछ नहीं होता है, गुड़ अच्छा है। गुड़ भी तो शुगर ही है, शुगर ही है। नहीं होता इससे शुगर, किसी से भी पूछ लेना, गुड़ से शुगर नहीं होता, चीनी से होता है। शुगर में बीमारी की बात नहीं कर रहा मैं, शुगर की बात कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी है उसमें, चीनी में बहुत वो है, इसमें थोड़ी है कुछ। सो गाइस, आजकल ना पीयूष ने अपनी हंसी चेंज कर दी है, आजकल ये अटक अटक के हंसता है, मतलब ब्रेक लगते हैं, कुत्ते नहीं हंसते, बच्चे हंसियो, ये कुत्ते के बच्चे हंसियो, गला खराब है। नहीं हंसी हंसियो नहीं, पहले इतना अच्छा हंसता था ना, इतनी तेज तेज हंसता था, अब पता नहीं क्या है ये, क्या है ये। ये सोचता है, तू ये सोचता है मेरे को अच्छा लग रहा है, बेइज्जती होती है ऐसे करने में। चूहा गणेश जी होते हैं, मना कर रहे हो अपना, नहीं बिल्ली क्या होता है, बिल्ली कुछ भी नहीं होता है, कुत्ता होता है भैरव। अब खुद ही कह रहे थे मेरे को जी, मैं कुत्ते के ऊपर पानी डाल रहा था। और पीयूष क्या होता है? पीयूष राक्षस होता है, राक्षस। I'm totally ready to go. येरा बैग, हेलमेट, गोप्रो। तो चलो एक ही बाइक पे जाएंगे हम, वो आ रहे अभी अपनी बाइक लेके। होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ सही रहे। ओ अम्मा यहाँ क्यों बैठे हो? ठीक हो रहा है, यहाँ अभी अंदर से आई। एक्साइटेड हो आप? एक्साइटेड हो? ठीक हूँ। मैं पूछ रहा हूँ एक्साइटेड हो? हाँ हाँ बिल्कुल, हट्टी कट्टी। हट्टी कट्टी नहीं, एक्साइटेड। ठीक हूँ, मेरी हड्डी मजबूत है। हड्डी मजबूत है नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, मतलब हाँ हाँ तेज ना, तेज खुश है, खुश 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 हो? हमारे कुत्ता आने वाला है, कुत्ता आएगा। बड़े में बिल्कुल खुश नहीं है, बड़े में पूछना मत। तो चलो निशांत आ गया है, हम चलते हैं। तो निशांत वहाँ पे खड़ा है, बिकॉज यहाँ पर ये सील कर रखा है, तो वो आगे नहीं आ पाया। बढ़िया। सो अभी हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं, डायरेक्शन देखते हैं फोन में कि हमको जाना किधर है। तो अभी हमने एक शॉप पे पता किया, वो बोल रहे हैं कि कल मिल जाएगा। देख रहे हो कितना क्रेज, हम हिसार पहुंच गए और सारी शॉप्स बंद पड़ी हैं। हमने 4-5 जगह कॉल कर लिया, वो बोल रहे कल मिलेगा। तीसरे डॉग फार्म पे कॉल हो रही है अभी। हम लिटरली इतने पागल हैं, आधे घंटे से यहाँ खड़े हैं, पूछ रहे हैं शॉप्स के बारे में। एक ने बोला हमारे पास है, वो बोल रहे हैं हम कल दे देंगे, बट अब की बार तो पक्का ले लेना, एक दो दिन में, आज या कल में। आज तो अब नहीं हो पाएगा, बिकॉज
सात बजने वाली है, सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी। चलो जो भी है, तो फाइनली अभी हम एक डॉग फार्म पे जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, बातचीत करते हैं। अब हम यहाँ से निकले हैं, देख लो आगे, यहाँ पे एक घंटा हमारा हमको लगा ढूंढने में, सिर्फ 4 किलोमीटर है यहाँ से। डॉग भी क्या याद करेगा, उसको लेने के चक्कर में हमको कहाँ कहाँ डोलना पड़ा था। कितनी दूर है रे, सिर्फ 2.5 किलोमीटर बाकी है। वोरी 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 भारती पेट्स को व्लॉग्स यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। मेरा घर का जो पपी है वो 1 लाख से शुरू होता है। वैसे काफ़ी लोग कह रहे थे इसके बारे में, तो घर वाले मना करेंगे। तो अभी अंधेरा होने वाला है, हो ही गया, मतलब टाइम क्या हो रहा है रे, 7:30 हो रही है एंड हम हिसार के अंदर डोल रहे हैं। भाई काम तो हुआ नहीं, कुछ खा ही लेते हैं। इधर ही लगा दे, मुझे तो अपना हेलमेट ले जाना पड़ेगा। तो अभी हम मैकडोनल्ड्स आए हैं, ठीक है, हमारे साथ क्या हुआ क्या हुआ वो अभी आपको अंदर बैठ के बताऊंगा। अभी हम एक बार बर्गर लेते हैं, चेकिंग क्या कर रहे हैं। 2 आलू टिक्की बर्गर और चीज़ बर्गर ले लेकर दो। सो अभी निशांत गया ऑर्डर करने के लिए, वो आता है फिर मिल के बात करते हैं। मैकडोनल्ड्स में पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल, मतलब इतनी भीड़ हो रही है, अभी 8 बज चुके हैं। बाय द वे यहाँ पे सैनिटाइजेशन काफ़ी तगड़ी वाली हो रही है, मतलब जो भी एकदम से उठ के जा रहा है अच्छे से सैनिटाइज कर रहे हैं टेबल को अच्छे से बिल्कुल। भाई साहब 8 बजे इधर ही, 8 बज गए, अभी 9 बजेंगे 10 बजेंगे। बर्गर तो खा ले, काफ़ी टेस्टी हो रहे थे, और सुना यहाँ की आइसक्रीम काफ़ी टेस्टी होती है, तो वो भी ट्राई करते हैं आज। अब थोड़ा शोर कम हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था, इसका फेस कैसा आ रहा है यार। तो इसका मैं लेने ही वाला था जर्मन स्पिट्ज़ या फिर वो कौन सा था वो दूसरा पग, वोडाफोन वाला कुत्ता, डोमिनोज वाला नहीं। तो इसके एक फ्रेंड से पूछा, इसने जिसके पास है उसका बहुत बेकार एक्सपीरियंस था पेट शॉप से, तो उसने बताया कि मत लेना, भूल के मत लेना, यहाँ से ख़राब दे देगा, ये करेगा वो करेगा। तो इसलिए इसने कहा कि रहने दें, यहाँ से लेना ठीक नहीं है, एक तो महंगा बता रहा है, ऊपर से क्या पता कैसा देगा। तो अभी एग्जैक्ट टाइम बता देता हूँ आपको, 8:26 नहीं 9 अभी बजे नहीं है, 8:26 हो रहे हैं। आराम से चलते हैं, काम तो हुआ नहीं बट पेट पूजा हो गया। वैसे आना है यहाँ पे 2-3 दिन बाद दोबारा आएंगे। सो गाइस थकार के घर पहुँच चुके हैं, और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। काफ़ी पीयूष वेट कर रहा था कि मैं आज डॉग ले ही आऊँगा, जो कि नहीं हो पाया, बट अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊँगा तो पक्का लेके आऊँगा कन्फर्म अच्छे से। अरे मैं लेने वाला था पता तेरे को, बीच में फिर एक वो हो गया, कुछ पंगा हो गया, अभी मैं तेरे को बताऊँगा क्या हुआ। जो आपने देखा पग, वो मुझे इतना क्यूट लग रहा था, इतना क्यूट, मेरा मन कर रहा था वो ले लूँ। भाई तू देखता ना इतना क्यूट है वो, पग पसंद नहीं है घर में किसी को, पग पसंद नहीं है, बट वो छोटा सा देखने में उसका फेस कितना क्यूट लग रहा था। भाई तुम देखते ना तुमको भी बहुत प्यारा लगता, पमेरियन या वो लेंगे, तो इनको पमेरियन नहीं चाहिए, पीयूष जैसा होता है, मतलब अपना मुंह दिखा रहा है ऐसा होता है। देखो जब किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती, किसी को पता नहीं होता ना, तो हम इस तरह से भटकते हैं, जिस तरह से मैं भटक रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो भटकने से क्या होता है ना, नॉलेज मिलती है, कोई तुमको क्या सजेस्ट करता है, कोई क्या सजेस्ट करता है, तो अब काफ़ी नॉलेज भर चुकी है। तो ब्रीडर्स से लेने का फ़ायदा है, जो ब्रीडर्स होते हैं थोड़ा महंगा देते हैं, तो बट उनके पास बिल्कुल हेल्दी और सही बिल्कुल प्योर ब्रीड होती है, तो ब्रीडर्स आराम से लाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिकॉज हमारे साथ में रहना, हमारे फैमिली मेम्बर की तरह रहेगा वो, तो ज़रूरी है ना गाइस, फिश की तरह रहेगा वो। पीसी बताइए कैसा होता है उसका फेस। वैसे ना आप लोग में से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि आप स्ट्रीट डॉग पाल लो, क्योंकि स्ट्रीट डॉग जो बाहर होते हैं उनको भी तो लाइफ चाहिए ना, बट मेरे को ना बड़े कुत्ते नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे एक अटैचमेंट बन जाता है, तो उसको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर छोटा है जैसे मैं गाँव जाऊँगा तो गाँव उसको ले जा सकता हूँ टोकरी में डाल के अच्छे से, बट बड़े को ले जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब ले नहीं ले जा सकते, इसीलिए मेरे को छोटा सा चाहिए था पमेरियन, छोटा वाला जो कि हम मैं कहीं भी ले जा सकूँ। सो गाइज अभी हमने डिनर सब ने कर लिया अच्छे से, तो मम्मी बैठी है, पापा जी अम्मा सब बैठे हैं, तो मैं देख के आया हूँ 2 ब्रीड देख के आया हूँ, एक तो पोमेरियम जर्मन स्पिट्स ये वाला वाइट वाला, और दूसरा है पग। पग तो आपने देखा वीडियो में, मेरे हाथ में भी था, मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, मतलब लेकिन इनको इनका फेस पसंद नहीं है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, पूछता हूँ कौन सा पसंद आता है, और ले आएंगे फिर कल या परसों ले आएंगे। मैं पोमेरियन को वोट करूंगा, वोट दो। तो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी जी देखो एक तो ये वाला है जो आपने देखा भी होगा, पड़ोस में है भी हमारे इनके पास, ये फेस इसका ऐसा होता है, देखो देखा नहीं पीछे क्या अच्छा नहीं लगता है। और ये लोग है दिखाओ, दूसरी फोटो दिखाओ, लगती है ना मैं, और ये वाला ये अच्छा है, ये तो अच्छा लग रहा है। हां अब जर्मन स्पिट्स को वोट दोगे?
जर्मन स्वीट। किसको वोट दोगे? आप बताओ भाजी, ये या ये? इसका मुंह देखो, इसका मुंह साला गंदा सा है। ये तो है आप पीछे है। साला ये पीछे है आप सुबह से पीछे घूमने आते हैं छोटे छोटे, वो सुबह सुबह देखा। बहुत गंदे लगते हैं, पता नहीं लोग क्यों पसंद करते हैं यार इनको। वोडाफोन ये कुत्ते की बात हो रही है, प्लीज को थप्पड़ लग गया। नहीं लगा। अम्मा ये वाला देखो, ये वाला, ये इसका मुंह देखो। अम्मा को भी बोल लिया। कैसा है? अच्छा नहीं लगा। नहीं है क्यों? अच्छा, ये अच्छा होता है अम्मा, ये महंगा है उससे। ये वाला अच्छा है, ठीक है। इसको वोट दिए सबने, इसको वोट दिए। उंगली दिखाओ ना, उंगली में ऐसे लगा। हैं? तेज कुत्ता को लिया। पापा जी कह रहे साला साला मतलब देखा मैंने यहाँ पीछे गली में रहता रोज। आपको क्या, आपको क्या बिगाड़ दिया उसने? आपको क्या बिगाड़ दिया? टाइटल है उसका साला है वो। तो मेरी फैमिली में तो सबको वही चाहिए जर्मन स्पिट्स। आपको क्या चाहिए? मेरे को तो वो तुमने देखा नहीं ना, मैं आज देख के आया हूँ, इतना प्यारा था ना पग। चलो कोई बात नहीं, छोटे में प्यारा है वो, बड़े हो गए देखियो मुंह कितना गंदा। बड़े हो गए बड़े हो गए ऐसा लग रहा हूँ, बात छोड़ दा मुंह। इन्हें घूमना जो करके सुन ली। चलो एनीवेज आप कमेंट को बताना कि मुझे पग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप किसको पग में क्या क्वालिटीज होती हैं? आप किसको वोट दोगे? मेरे को भी वैसे तो मेरी बता सही वो वही जर्मन स्पीड से मुझे बाल पसंद है, कुत्ते के बाल होते हैं ना बड़े-बड़े। ओके क्या था ये सबका वोट लग गया? अच्छा वोट। एनीवेज आप भी कमेंट को बताना, देखते हैं किस पे ज्यादा लाइक आते हैं। आप 5 के 6 के 6 वोट उसको ही मिले हैं। अब कुछ दिन में हमारे 7 सदस्य हो जाएंगे। कुछ दिन में क्या, कल या परसों ले? कल जा सकता हूँ मैं। फाइनल बता दो, फाइनल वो ले आओ ना स्पीड्स। आप बताओ। मैं क्या कहूँ बेटा, तेरे पसंद आया ले आ। व्हाइट। आप बताओ। मैं व्हाइट ठीक है। मेरा पसंद तो एक्चुअली में वो था। वो कौन सा? ब्राउन वाला, भूरा वाला। अच्छा। पापा जी को पसंद है गौरव जन का कुत्ता, वो कल्चर पोम है। सो गाइज फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, बाकी आप अपने सजेशन कमेंट्स में जरूर देना या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो कि अब तो आप नेक्स्ट व्लॉग में हमारा नया फैमिली मेंबर देख लो जो भी है, नेक्स्ट व्लॉग में आपको चलेगा पता। आई होप व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।